भारत में जहां कुछ लोग चीनी सामान का बहिष्कार करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर फिल्म वाले चीनियों के साथ फिल्म बना रहे हैं। इंडो चाइनीज को प्रोडक्शन डील इरोज ने साइन की है, जिसके तहत 3 फिल्में बनाई जाएंगी। इस डील की पहली फिल्म ट्यूबलाइट बन रही है, जिसमे सलमान खान लीड रोल में है। सलमान के साथ चीनी अभिनेत्री नजर आएंगी। अब दूसरी फिल्म की योजना बनाई जा रही है, इसे सिद्धार्थ आनंद निर्देशित करेंगे। सिद्धार्थ की फिल्म में चीनी अभिनेता डेंग चाओ नजर आएंगे। सिद्धार्थ हीरोइन ऐसी चाहते हैं जिसकी पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो और वो भारतीय हो। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा में से कोई एक नजर आ सकती है। प्रियंका जहां बेवॉच नामक हॉलीवुड फिल्म कर रही है, वहीं दीपिका XXX द रिटर्न ऑफ जेंडर केस में नजर आएंगी। फिलहाल फिल्म के स्क्रिप्ट का काम किया जा रहा है और दिसंबर तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।